ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् अमृतद्रवसंयुतम् भागवतं रसमालयं मुहुरहो पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो। रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। ए जो तीनोटे श्लोक मु मंगलाचरण रे गाउछि ए तीनटा भागवत रे अछि मु कहितले मध्य एणु एमती तो स्क्रीनिंग रे दिया जाउछि जदि स्क्रीनिंग रे आपण निजे बही भी धरिबा पई चाहिबे जो लेखा अछि सेटा आपण धरंतु मन रखन। गोटे भगवान कृष्ण को प्रणाम करा होछि प्रथमटा सेकेंडटा सुखदेव जी को प्रणाम करा जाउछि और थर्ड रे भागवत विषय पाछि। गोविंदा जय जय गोपाल जय जय गोविंदा जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंदा जय जय राधा रमण हरि गोविंदा जय जय गोविंदा जय जय गोपाल जय जय गोविंदा जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंदा जय जय राधा रमण हरि गोविंदा
लक्ष्मी की जय जय नारायण की जय जय लक्ष्मी की जय जय नारायण की जय जय सीता की जय जय रामा की जय जय सीता की जय जय रामा की जय जय कृष्ण राधा की जय जय कृष्णा की जय जय राधा की जय जय कृष्णा की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय पार्वती की जय जय शंकर की जय जय पार्वती की जय जय शंकर की जय जय काशीपते शिव शंकर की जय जय काशीपति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय भागवत महापुराण के जय वेद व्यास जी महाराज के जय सुखदेव जी महाराज के जय परीक्षित जी महाराज के जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उद्धव जी कहुचंति विदुर को चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करुचंति। तृतीय अध्याय लास्ट रे कौन देखिले बड़ा दुख खबर दौले कहते हे विदुर जी कौन करवा अभिशाप मिलता भगवान जिते लीला करने आसना किसी कारण हूँ रामायण अच्छी लक्ष्मण को जीवाप गोटे घटना हूँ माने लक्ष्मण भगवान को त्याग कर भगवान को इत्ते प्यार करते सी जहाँ को जमी गुरु शिष्य सहित संबंध गुरु जो अलग हो जाते बहुत दुख लगे भगवान को अलग हाँ लक्ष्मण पारे आईपर जो बनवास गले जानी मुझे बालक बालक समय भगवान जानते नेचर एवं कहा जाए जो जन्म होता रामचरित मानस कथा कथाकार लोक राम प्रेमी लोक बड़ा सुंदर कहते लक्ष्मण छोट अच्छे बिलकुल कांदुचान सब जो कांदुचान दशरथ एवं पचारे कि आम छोट जो सुमित्रा पुओ ये लक्ष्मण कांदुच कहीं कदिया देखिकी ये शत्रुघ्न कांदा तो आज्ञा दीटे जा कांदुचान वशिष कह कौन है कि मानने भक्त गोटे को राम चरण रखी दिं राम बहुत छोट सी भी छोट चरण शुई दिंतु पाखे कांदिया बंद हो आरटा को भरत रखी दिं। अच्छा जी पिला बलु भगवान को सानिध्य चाहिए जी पिला बलु भगवान को सानिध्य मिले ना बोले कांदी जहार समाधान गुरु वशिष्ठ कर सी के दूर रहीपरिवे विरह किंतु भगवान एमती गोटे मर्यादा कले काल भगवान आसते काल काल जिते आसते भगवान राम को सहित बह मान वार्तालाप चलती काल जे ऋषि से नियम कले ए भितर जी भी प्रवेश कर मृत्युदंड पाइब दुर्वासा ऋषि आसिले तो बर्तमान मु राम को सहित भेटी जा खबर दी चल ना मना कर ना बर्तमान जाओ गले बस भगवान राम मृत्युदंड देवाई कहले चली गले तो राम भगवान राम सानिध्य लक्ष्मण के अलग चाहू नथले किंतु उपाय ठीक सेमती भगवान कृष्ण सानिध्य जदियो भगवान कर ये माया भगवान कर ये लीला विचित्र माया विदुर मैत्र संबंध में आम देखा विचित्र माया विषय वर्णन कर तो से माने कौन कले प्रभास क्षेत्र को कहानी तो आसो एकादश स्कंद डिटेल प्रभास क्षेत्र को तीर्थ करने आसे
भगवान तो उद्धव को उपदेश दे दी ईटा उद्धव कहते उद्धव विद्रोह कहते घटनाक्रम कहते एमती है जो द्वारकर देखिले टे भय ककुआ भय हूँ द्वारकर टे अशुभ सूचक हूँ द्वारकर टे सगुण के अशुगन हूँ अशुभ लक्षण हूँ तेणु केमती कौन करवा कह तो समस्ते ब्राह्मण मान को पचारे एवं ब्राह्मण ज्ञानी मान भगवान हूँ सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण्य देव सर्वज्ञ सर्वविद सर्वज्ञ भगवान को पचार ना ये भगवान को माया जेतले से सांब जो गर्भ सांब को वेश करी नारी सांब को नारी वेश करी जेतले कहले कि ये होची जदुवंशर नारी आ आर गर्भ ये गर्भवती अच्छी आर पुह हम कि झी हम ये मन तो कपड़ा देते दुर्वासा बिगड़ी गले कहले तुम कृष्ण पुह आमती मजा कर थट्टा करछ परिहास करछ देखो तो गुरुतुल्य ब्राह्मण को सन्यास को केवे परिहास करिया उचित केवे तांग सहित मिछ कथा केवे तांग सहित थट्टा परिहास करिया उचित नो हला जेतने हाँ कौन से गोटे मूड अच्छी एवं कथबार्ता होचन सेटा अलग जिनस भगवान कृष्ण मध्य रुक्मिणी के सहित थट्टा परिहास करुछन किंतु सीरियसली जन को अजणतारे करिया उचित नो जणे की करबा अलग ये गोटे खेल ये गोटे लीला ये गोटे विनोद विनोद जानते विनोद एंटरटेनमेंट किंतु एमती मन भितर रखिक परिहास करवा उचित न थट्टा करवा उचित न निंदा करवा उचित न तांक सहित मिछ कथा कहवा उचित न कहीदेले तो अभिशाप देदेले अभिशाप ये देले कि जाओ तुमर जो जहाँ को कह गर्भवती अच्छी सी तो तुम पुओटा एटा एटा सांब नारी वेश धारण कर एवं भितर कपड़ा रखिच किंतु मूसल लुहार मूसल बाहर ये ही तुम जदुवंशर नाशर कारण हो बस ये मूसल जो बाहर डरी गले माने एम रेकर्ड कले उग्रेश्वर पाक बुढ़ा लोक राजा भी पचारे सीए कहुए भीम को डकैले या तो कौन से गोटे बलवान देके सब घसी चलने आगे पत्थर में भगवान कृष्ण खबर देना आ भगवान कृष्ण मुस्कुचन जा हूँ मो माय ठीक चली एमने खबर भी दौना एम जी मत पचार था मुझे कही था आहरी असुविधा होता था माया पे तो सी जा हूँ आपस कौन कले जो दुख हूँ ब्राह्मण मान को डक प्रभास क्षेत्र को आसिले भगवान मध्य आसिले बलराम मध्य आसिले एवं कृष्ण उद्धव को पूरा उपदेश दे सी मध्य गले बर्तमान कह सी मत जा इच्छा करूना भगवान को छाड़िया पे प्रभास क्षेत्र पर्यंत जा कौन प्रभास क्षेत्र पर्यंत गले मत उपदेश देले पूर्ण आसो कथा बर्तमान उद्धव कहते आपस कौन कले से जिते यज्ञ आदि सब कले एवं ब्राह्मण कहले जाऊ ए सब यज्ञ कल अब तुम्हें खाओ जहा खाइबा कथा खाओ सी आईबे कौन न खाई मान खाइले तो खाइले बारुणी पित्वा देखो तो दुनिया रे शरीर को रखा भोजन करवा दरकार जी आवश्यक किंतु ता सहित जी भोग करेंगे उपयोग उपभोग बारंबार कह जा पंचम अध्याय चतुर्थ अध्याय को आसत चतुर्थ अध्याय एमती टॉपिक अच्छे उद्धव से विदा होकर विदुरजी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना से टॉपिक टा देख अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणिम बस ये आरंभ हो गला कौन आरंभ यह आमर शरीर पर भोजन करवा दरकार किंतु बारुणिम पीत्वा बारुणी मद पीवाक लगे कहा जाए ये जो लोहाटा घसाई थी ना से छोट छोट जो रिबिरी भाया जमी रबर को घसी देवे तार जो गुंड जाक थी सी पानी भाषिला इमाने भाविले समुद्र को पलि से भासी 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 आज्ञा प्रभास क्षेत्र रही से भासी भासी प्रभास क्षेत्र आसीगला इमाने कले कौटी द्वारका जो मैंने जा पश्चिम मन रखु द्वारका एवं प्रभास क्षेत्र प्रभास क्षेत्र माने कौटा सोमनाथ जोटी भगवान शरीर त्याग
सोमनाथ मंदिर एवं मध्ये जोटे जगह अच्छी जोरा सबर जो मारी से जगह टाइम रही दर्शनीय स्थान तेणु भाषीवासी आसिकी ओराक बण ओराक कंटा एवं मध्ये देखिए द्वारका आदि रे ये सब स्पेशल कंटा रही तो ओराक बण रु बाहर करेंगे पीला कौन से गोटे जंगल देखिए मुझे तो उत्तर काशी रे थिली मते गोटे मौका मिलता चार मस रही मुझे भल डेपुटेशन रे एक्सपर्ट अच्छे कोलकाता डेपुटेशन देन ये उत्तरकाशी डेपुटेशन बर्तमान सिद्धवाड़ी डेपुटेशन तो उत्तरकाशी तो मोर चेक सिग्नेटरीज अच्छी तो उत्तरकाशी चारिमास जो रही क्या जो जाऊ मुझे आश्रम जस्ट पछपटे जंगल टा अच्छे जंगल जी बहुत बढ़िया बढ़िया सब कोली अच्छी खाइबे भल लगे कि बैचान्स न जाणी आउ कि जाणी खाईदे कसा कसा लगे और जहर मध्य था एमती अनेक कथा रही कौट कौट तो एणु से जी ऐराक बण ऐराक जंगल जो रस थिला ना सेटा बारुणी मदर नशा थिला सेटा जितने पीले अच्छा मद जो शराब जो नशा अच्छी सेटा मनुष्य को दी प्रकार कराए गोटे हूँ उत्तेजना कर फर्स्टे निष्क्रियता कर स्वामीजी एत सब नलेज कौट आसा ये लिखाई थी स्वामी अखंडानंद जी लिखी स्वामी अखंडानंद जी पचारे तुम कौन पीछ कि आज्ञा ये सब शास्त्र अच्छी किसी कहवा दरकार नहीं कि जिनस जानापी अनुभव कले हिंता विषय जमी विष विष जी खाइब सी ही विष विषय बुझे पार कि जहाँ अगर जन बुझे हाँ बुझेवा जानवा दरकार सब जे एक्सपीरियंस कले हम ता नुह एवं वर्णन करा जाई हेय हेय माने त्याग वर्णन करा ए कि तार महिमा मंडित होंडे हूँ निंदार्थम गोटे स्तुति अर्थम एटा निंदार्थम करा न कि स्तुति अर्थम के बहुत असुविधा हो जाए सपोज कौन से गोटे एग्जाम्पल कोकोकोला मु दिए कोकोकोला दिए अब ये जो कोकोकोला लुण पकईदे जमी आसान वासना रो एग्जाम्पल दिए बस लोक भाती स्वामीजी को कोकोकोला पसंद हुए बिल्कुल ना फ्लाइट रे जिते फुड मान कनेक्शन थी मत पचारे आप कौन भाई हम सिंपल लेंबू पानी दे दियो या कौन से फ्रूट जिस दिव कोक मैं दरकार ना कौन सी जिनस जान लगे खराब बिलकुल पीवा उचित इमाने कौन कले भगवान माया एवं यज्ञ कला खुशी हो गले देख चतुर्थ श्लोक को जानतु गोटे गोटे श्लोक शब्द बड़ा सुंदर चतुर्थ अध्याय अथते तदनुज्ञाता तत् अनुज्ञाता आदेश पाई कहार आदेश पाई प्रश्न हम एमती हठात किए जदि पढ़ जानी हवनी कहार आदेश पाइले तद अनुज्ञाता कहार आदेश पाइले ना ब्राह्मण मान जहाँ को संकल्प करते पूजा करते आदेश पाइले कि ना बर्तमान खाओ एवं देखिए जा जा घर यज्ञ हो पूजा हो भी दीक्षा नौ तुम खाई कि जलखिया नहीं आज्ञा बस दीक्षा पर खाइबे यज्ञ पर खाइबे प्राय मनुष्य कौन से गोटे भल कर्म सत्कर्म पर खाते के सुंदर लिखाई तो ब्राह्मण मान आज्ञा दे तुम बर्तमान भोजन कर बाने जोड़ी देले कौन श्लोक देखते एक नंबर भुक्त्वा पित्वा च वारिणी बस ये असुविधा हो गला भुक्तुआ माने खाइले भोजन कले एवं पित्वाच वारुणी वारुणी मद पी चल यहाँ हला असुविधा अच्छा वारुणी मद जमी मुझे कहली से जो ऐराक जो सरी गला ना वारुणी मद जो स्टॉक नहीं कि आसते जो मैंने पीवार अभ्यास अच्छी ना से किसी देखते होश चली जाए इंग्लीश रे गोटे बहुत सुंदर अच्छी इन फास्ट ड्रिंक मैन ड्रिंक्स ड्रिंक जी भी पिए ना दी प्रकार पिए ये सिगरेट मध्य पिए या तो मद मध्य पिए कहार प्ररोचन पिये कहार माने इंस्पिरेशन तो कहानी इनस्टिगेशन पिये मोटिवेशन भी नुह तीन टा वार्ड मुझे आप मैनेजमेंट इंस्पिरेशन सात्विक मोटिवेशन राजसिक
ଇନଷ୍ଟିଗେସନ ତାମସି ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଗେସନ ଆରେ ୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କର ଜୀବନରେ ଏ ଯଦି ପିଇଲନି ଲାଭ କ'ଣ ହଁ ଫିର ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ କରିପାରିବ କି ଯାହା କରିବା କଥା କର ବାସ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିଇଲା ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଫ୍ରି ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଛି ଆରେ ତୁମକୁ ଥୋଡ଼ି ପଇସା ପଡ଼ିଥାଏ ଖାଉ ନା ପିଅ ନା କ୍ଲବରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ପୁରୀର ସେ ଆମ ଡିଭୋଟିଙ୍କର ଝିଅ ସିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଥିଲା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କେରଳରେ ବାସ୍ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ମିଶିବେ ଯେତିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି 50-60 ହେଇଥିବେ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ନନଭେଜ ଇଏ ତ ବେଚାରି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସୌମ୍ୟା ଆମ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନର ଝିଅ ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ପଢୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ତ ମୋତେ ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ଯାଅ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିବି ତ ମୁଁ ଫେର ତାକୁ ଖୁଆଇଲି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲି କେମିତି ଯିବ ତ ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କେମିତି କରୁଛୁ ନା ହେଇଯାଉ ଚଳିଯାଉଛି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମଗର ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ତାମସିକର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବହୁତ ତାମସିକର ମନୁଷ୍ୟ ରହେ ତ ବାରୁଣୀ ମଦ ଯେତେବେଳେ ପିଇଲେ ଉତ୍ତେଜନା ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ କାମ କରିବ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ଇଏ ହଉଛି ନିୟମ ପିଇବାର ପିତ୍ୱାଚ ବାରୁଣୀ ଉତ୍ତେଜନା ଆସିବ ଶିଥିଳତା ଆସିବ ଜଡ଼ ଆସିବ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ହବନି ତୟା ବିଭ୍ରଂସିତ ଜ୍ଞାନ ଦୁରୁକ୍ତୈ ମର୍ମ ହଉ ଇଏ ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ରହିଛି ଦୁରୁକ୍ତି ମାନେ ପିଇଗଲା ପରେ ହତ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି ଜ୍ଞାନ ହତ ହେଇଯିବ ହତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁରୁକ୍ତି ବଚନ କରିବ ଦୁରୁକ୍ତି ମାନେ ଖରାପ ବଚନ ଏବେ ଏଇ ଟୁର୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁନଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରବଚନ ବହୁତ ହେଇଚାଲିଲା ଜିଉ ଦେଇଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ DLS ବାଲେ ଏବଂ ଆମର ପରିଚିତ ବାଲେ କରେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ମହାସିଂରେ କରେଇଲି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହାସିଂ ତାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ କରେଇଲି ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଇବା ଲୋକ ମାନେ ମଦ ଯିଏ ପିଇଛି ସେ ଆସିଲା ପାଟି କରୁଥାଏ ଏମାନେ ପୁରା ଲିଟେରାଲି ଝିକିକି ନେଇକି ରଖୁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉ ତ ଦୁରୁକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥାଏ ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଥାଏ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳରେ ମୁଁ ଥିଲି 11 ବର୍ଷ ସେଠି ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଗାଁ ଅଛି ସେଠି ତ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିଲା କାରଣ ମାଇକ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଫନେଲ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଶ୍ଲୋକ ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇଟା କହିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରେଇଲି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବେ ଆଉ କହିବିନି ଏବେ ନାଇଁ ସିଏ ବି ଚାଲିବ ଆମର ବି ଚାଲିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ନେବା ବି ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦରବାଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ତାପରେ ମୋ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଲା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ମଦ ପିଏ ନା ଦୁରୁକ୍ତି ମାନେ ଖରାପ ବଚନ କରିବ ଦେଖିଲେ ଦୁରୁକ୍ତି ହବ ଦୁରୁକ୍ତିରୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କଳି ଆସିଛି କଳହ ମାନେ କଳି କଳିଯୁଗର ମା କିଏ କଳହର ମା କିଏ ଦୁରୁକ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କହିବ ବା ସିଏ ବି ଖରାପ କହିବ ମତେ କହିଲେ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁରୁକ୍ତି ହିଁ ମର୍ମ ପସ୍ପର୍ଶୁ ହୃଦୟକୁ ଚୋଟ କରେଇଲେ ମର୍ମ ପସ୍ପର୍ଶ ହଉ ମାନେ କହିଲି ନା ମତେ ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ସେ କଥାଟା କହିଛି ଯେ ମତେ ଲାଗିଯାଇଛି କେବେ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା 1964ରେ ଆଚ୍ଛା 1964ରେ କହିଥିଲା ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି 57 ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ତୁ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ରହିଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିକି ମନକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କାହିଁ କରେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମ ଘରକୁ
କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଧୂଳି ହେଇଗଲେ ସଫା କରୁଛୁ, ନୌକର ଉପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛୁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନୁ, ମିସେସିଙ୍କ ସହିତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଯଦି କପ୍ରେ କ'ଣ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଲାଗିଛି ମହିଳା ଅନାଦି କାଳରୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ବିଗିଡ଼ୁନୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଇଏ ହେଉଛି ମାୟାର ଗତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଆପସରେ ଯେମିତି ମରି ଚାଲିଲେ, ଯେମିତି ବାଉଁଶର ଗଛ ରଗଡ଼ି ହେଇକି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଉଁଶର ଗଛ ସବୁ ରଗଡ଼ି ହେଇକି ଆଗ ଅଗ୍ନି ବାହାରେ ମରିଯାଏ, ସେମିତି ସେମାନେ ୱାପସରେ ମରିଗଲେ। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ମାୟାର ଗତି ଦେଖିଲେ। ମାୟା ଲାଷ୍ଟ ଏବେଠି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେନି, ସେ ପୁରା ଭାବାନ୍ୱିତ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଉଦ୍ଧବକୁ କହିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଆପସରେ ମଲେ, ଶାମ୍ବ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଦି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କଲା, ଏତେ ମାତାଲ ହେଇଥିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ, ବଡ଼ା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଲା, ମାନେ ସେ ଐରାକ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ମିଠା ବିଷ ରସ ମଦିରା ପିଇକି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ କାମ ଅବତାରଙ୍କର ଅଂଶ, ଭଗବାନ ମାନେ ଦେବତା ଅଂଶ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମାୟାର ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଏ ଅସୁବିଧା, ବାସ୍ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିଗଲା, ବାସ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯାଦବ ବଂଶର ଯେତିକି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବଳରାମ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, ବଳରାମ ଭଗବାନ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରାମ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଦୁଃଖୀ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତନାଗ ବାସୁଦେବ ମାନେ ବାସୁକି, ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଭଗବାନ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଧ୍ୟାନରେ। ମୋତେ କିଏ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ, କାଲି ଯାହା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ କୋର୍ସ ମୁଁ କରାଉଛି, ମୁଁ 7 ଡେଜ୍ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବି, ହେଲା 40 ମିନିଟ୍ରୁ 50 ମିନିଟ୍ସ ଥିଓରି 10-15 ମିନିଟ୍ ରୋଜ୍ ଦେବି, ତାପରେ ମେଡିଟେସନ୍ କରାଇବି। 7 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ 7 ଟପିକ୍ସ ରହିବ, ଏବଂ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହବ। ଏବେ ନାହିଁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହବନି। ତେଣୁ ବଳରାମଜୀ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ନାକରୁ ସାପ ବାହାରିଲା, ଏବଂ ସେ ତ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଭଗବାନ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ମାୟାର ବିଚିତ୍ର ଗତି, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଥିଲା, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ଏମିତି ତ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଏପଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବଦ୍ରିନାଥରେ। କାଲି ବହୁତ ଜଣ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଦି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଣ୍ଡ ବଦ୍ରିନାଥ ଯିଏ, ସେଇଠୁ ସରସ୍ୱତୀ ବାହାରିଛି, ବାହାରି 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 ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତ ହେଇକି ସରସ୍ୱତୀ ଟିକେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଟିକେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଅର୍ ସରସ୍ୱତୀ ତଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଲକାତା ଗଙ୍ଗାସାଗରରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ଦ୍ୱାରକା ମାନେ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ଆଚମନ କରେଇଲେ ଭଗବାନ, ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଗଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 11 ସ୍କନ୍ଦ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର, ଏ ଦେଖିକି ତ ଉଦ୍ଧବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ
शरणागत को दुख दूर करिवा पई भगवान कृष्ण निजर कुलर संहार करिवा पई करै देले एवं मते कहिथिले कि उद्धव तमे चली जाओ। देखो तो भगवान वृक्ष तले बसिले, वृक्षर महत्व अछि कारण जेते बळे ई झगडा होचंदे भगवान निज स्वरूप को गले ऊर्ध मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुर व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित पंचदश अध्याय। मु ए जो गीता चैंटिंग रे 12 अध्याय 15 अध्याय तो मस्ट एटा को मु आपन को सिखैबी छोट छोट अध्याय आउ टिके कर्मजोग तृतीय अध्याय एवं षष्ठ अध्याय ए चारटि अध्याय पक्का भल भाव रे आपन सिखिबे आपण मान को सुनिबी मथे सिखैबी मु सुनिबी तेणु एठ कहउचंती भगवान वृक्ष तले बसिले माने अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदाम से यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित ऊर्ध मूल अध शाखा कठोपनिषद रु आस। तो भगवान बसिले तापर कहले कि उद्धव को कहले उद्धव उद्धव को जने मु मध्ये भगवान कर विरह रे भगवान मते कही कही चलले किंतु मु तांग सहित चली आसिले प्रभास क्षेत्र द्वारका रे मते किछु उपदेश द्वारकार देथिले तापर मु आउथरे आसिली आसिके भगवान केमती बसचंदी वर्णन अछि बढ़िया सुंदर वर्णन अछि 7, 8, 9 पढ़ुची मु चतुर्थ अध्याय 7 मु जदि श्लोक न पढ़े टिके मजा आसिबे टिके अन्याय हे जाउछि ह तो श्लोक जोड़ जोड़े इंपोर्टेंट अछि भगवान को विषय अछि पढ़ दवा उछि। श्यामा बदातम विरजम प्रशांतारुणलोचनम दोभिर चतुर्भिर विदितम पीतकोशंबरेण च वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणांघ्री सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वत्थम अकृशम त्यक्तपिप्पलम तस्मिन् महाभागवतः द्वैपायन सुहृत्सखा लोकानुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। ये जो 7 दिन मेडिटेशन रे ना गोटे मेडिटेशन होची ई डिवाइन फॉर्म मेडिटेशन। ये डिवाइन बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन कौन करिवो मेडिटेशन रो सब्जेक्ट हम मन को जाना नहीं। एठ देखो तो पूजा माध्यम रे ध्यान माध्यम रे भगवान को मेडिटेशन नहीं पड़े जमी मो पछपटे सुंदर कृष्ण फोटो अच्छे जड़े डिवोटी मागिचन मन ए भगवान कर जो सुंदर रूप देखला मात्र आम ध्यान हो देखला मात्र आम मन टे भगवान पाक चल जीव कौन शुण कौन भगवान कर सुंदर रूप कौन दिव्य विशुद्ध सत्वमय श्यामा बदातम बीरजम बीरजम रज माने कौन रजर अर्थ रजगुण रजगुण तम गुण ना बीरजम आम ओडिशा गोटे बीरजा क्षेत्र ना जाजपुर बीरजा क्षेत्र मत किए भेटे रिसेंटली जाजपुर वाला मुझे सहित कथबार्ता पचार तुम माइका कौटी तुम माँ घर कौटे माँ मान बीरजा क्षेत्र जाजपुर बीरजा मान माँ कर ना बीरजा जोटा कि रज ना तमस ना ओनली सप्त प्रधान बीमला बीमला मान जगन्नाथ विमला भगवान माँ अच्छा विमला देवी दर्शन न कले अधूरा है जाए जाइली डिसेम्बर 29 रे दर्शन करेली जगन्नाथ गजपति महाराज गोटे ब्राह्मण देते व्यवस्था करदे सुविधा हो मो सहित किसी डिवोटी मत थे 6-7 जन थे से मानकर संकल्प इच्छा है मो सहित जीवाई
तेणु यही कहते बीरजम कौन सी रजगुण तमगुण नु भगवान सात्विक रूप हो गले भगवान का सात्विक रूप बीरजम प्रशांत अरुण लोचन केमती भगवान का रूप ना प्रशांत अरुण लोचन श्यापर श्यामावदातम श्यामावदातम श्यामल वर्ण भगवान भगवान कर जो शरीर श्यामल वर्ण देखुना पचपटे भगवान कृष्ण कर श्यामल वर्ण कते सुंदर श्यामल वर्ण कते बढ़िया बढ़िया आखी अच्छे सुंदर उठो ये जो उठो रे ना चित्र रे करा जाए कि भावंत नहीं कि लिपस्टिक लगाई भगवान कर स्वतः उठ लालिमा कि सुंदर रूप कहते कौन ना भगवान विशुद्ध श्याम सुंदर शांति प्रशांतम शांतर भरपूर अरुण लोचन शांति से भरी रत्नारी आंखें अरुण लोचन आंखें बहुत ही सुंदर दोर्भीर चतुर्भीर विदितम वाह 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 दीटा हाथ नहीं भगवान कर चारटे हाथ कि भगवान को रियली दीटा हाथ था कि चारटी हाथ था भगवान रियली चतुर्भुज भगवान विष्णु को अवतार स्पेशियली केसर चतुर्भुज हुए एनो पौंड्रक वासुदेव सी भी चारिभुज तैयार करथला आउ दीटा मिसी देथला लकड़ी प्लास्टिक रो एम गरुड़ मध्य गोटे डुप्लीकेट करथला सुदर्शन चक्र मध्य गोटे चक्र करथला मैं मोट प्लान से सब करथला कहला मुझे ओरिजिनल वासुदेव तू हूँ मिथ्या उल्टा करदेला भगवान तब खेल खेल रे हसी हसी छाड़ देले कहले तू जो चक्र धरच से छाड़ गरुड़ जो धरच से छाड़ चारि हाथ जो रखी से छाड़ रियली मु रखी भगवान कहले ठीक कही तू वाक्य सुदर्शन छाड़ हाँ तो सुदर्शन छाड़ी तो ऊपर भगवान युद्ध कले सुदर्शन छाड़ दे सी आज्ञा सारूप्य मुक्ति पाइला कारण भगवान को केवल इच्छा ही कर क्लियर चारिटी भुज थिला आ भगवान पीतांबर थिले नीलांबर पीतांबर धारण करथले बस भगवान को मु देखली हाथ जोड़ी देली गोटे पीपल रो छोटो वृक्ष सहारा लेकर भगवान केमती बसते जानते बड़ा सुंदर देते बाई जांग पर दया चरण कमल रख बैठे थे जमी बसी गोटे वृक्ष र दोली भाया अच्छी से गुजरात देखिए प्रत्येक घरे दोली थो बरगछे आम रज संक्रांति माँ मैंने दोली खेलती गाँ गहली मन पका ना आजिकल निजर घर पाखे से गोटे तैयारी कर दिखते झूला लकड़ी रस बस कि आनंद नि दारिंगबाड़ी जा गोटे फैमिली सहित कनेक्शन थी मु होटेल रही किंतु जो गोटे होटेल जो मालिक रो भाई सी कह नाई ना स्वामीजी मछ मंस भरा होटेल केमती खाइबे तेना डिनर ब्रेकफास्ट लंच सी ही देले जो छुटिया पुओ आ गोटे झीओ मिले चल आम पार्क बुलाया जावा दोली देखले मैंने सी भी मजा आमको भी भल लगे क्या गोटे चाइल्ड लाइक एंड चाइल्ड डिश चाइल्ड लाइक हवा उचित कारण से ना पा बहुत सरल हृदय जो से पार्क भेजला मानते मुझे देख पार नहीं सी बड़ा सुंदर डेई डे जाऊला मो सहित जे डिओटी जाइले कानू सी भी डे चले कि छुआटा ओरिजिनल भितर गोटे चाइल्ड लाइक था आम चाइल्ड लाइक हवा उचित चाइल्ड डिश नु तो भगवान कृष्ण कौन कले से गोटे वृक्षर शाखा हो जाइ आम गाँ गली कथा मन पका रज संक्रांति मन पका बरगछर ओहली निश्चय गोटे दोली टे शाढ़ी टे लगाई और आजिकल तो प्लास्टिक अन्न सब मिलगला रस्सी पुराण काल शाढ़ी टे लगे बस झुलवे किए पक्षर जदि किए टे दौथ पेलु आहरी मजा आस टाणु बहुत ऊपर को जाए तो भगवान किंतु आगे इमती झुलू ना भगवान बस
गोटे जस्ट गोटे डाल बस कौन कर देखते आप दीटा बसला बेल जमी चेयर रे बस दीटा गोड़ तले अच्छे मुझे डिटेल सब बुझे इटा अगेन आसव एकादश स्कंद सत आठ मस पर सेतु आहरी बढ़िया देखा भगवान कृष्ण कौन कले लेखाई देखु कौन कले ना बाया जंग पर दाया चरण बाम जंघ आप निजे निजे मन पका छुंतु मुझे पूजा रे संकल्प करे कि ये हूँ डाण हाथ रे आप फूल रखिए ये हूँ बाम हाथ मोर फिर रखे डाण जंघ रखे मुझे प्लानिंग बर्तमान चली कोर्स भी कर पूजार मिनिमम एगारटा पूजा शिखे हवन शिव राम लक्ष्मी गुरुपादुका पूजा अनेक सब शिखा हो तो भगवान रूप देख बाम जंगरे भगवान डाहाण चरण टे रखिले जो मैं चेयर रे बसले ना एमती हुए आम पूज्य गुरुदेव के बड़ा सुंदर चेयर बसते गोटे जंग मान गोड़े तलकू जा आउ गोटे गोड़े बाम जंघ बा दक्षिण जंगरे आस भगवान कृष्ण बस भोजन पान सब त्याग करदे आई ना बर्तमान उद्धव जी अच्छा भोजन पान त्याग करके ध्यान रही गले समय रे वेद व्यास प्रिय मित्र मैत्रेय ऋषि आसीगले भगवान को दर्शन करने भगवान मत चाहिए आसत किसी कम देवा तेणु मैत्र ऋषि देखते ये आसीगले हाँ लोकान अनुचरण सिद्ध आससाद यदृच्छया द्वैपायन सुहृद सखा द्वैपायन सुहृद मध्य सखा मध्य दिटा जा कौन सुहृद मान अंतरंग जमी आत्मसातम कृतम भगवान विदुर को निजर बोली भाविकी गले ना वेद व्यास सुहृद अंतरंग सखा किए मैत्री ऋषि तो मैत्री ऋषि जो आसीगले विचरण कर स्वचंद्र प्रणाम कले मैत्री ऋषि भगवान अनन्य भक्त थे तस्यानुरक्तस्य मुनेर मुकुंदः श्लोक देख दस नंबर मैत्री ऋषि किए थे तस्यानुरक्तस्य मुने मुकुंदः प्रमोद भावानत कंदरस्य आसृण्मतो मामनुरागहास समीक्षया बेश्रमयन्नुवाच बहुत ही अनन्य भक्त थिले आनंदरे एवं भक्ति भावरे भगवान को प्रणाम कले तस्यानुरक्तस्य मुने मुकुंदः प्रमोद भावान नतकंधरस्य कांधटा झुकी जाऊथला हास्यरे प्रमोदरे आनंदरे एवं विनीत भावरे प्रणाम कले प्रणाम कला परे कौन कले देखंदो तांको सामना रही ता माने भगवान जहाँ उपदेश देइछन्ते मैत्री ऋषि मत शुणी कहीं मैत्री ऋषि शुणिले पर विद्रोह को कहे उद्धव कहे ना से देख भगवान के सेटिंग बहुत ही सेटिंग बहुत ही सेटिंग मत जन माँ जनक आुवनेश्वर से पचारे स्वामीजी ये जो आप छोटिया छुआटी अच्छे अठर वर्ष रांची र से कम छाड़ी आप पंजाब पलि आसला मतलब देखो भगवान को बोधे सेटिंग ना कमी ना मुझे जो रांची रे 11 वर्ष 13 वर्ष रही 14 वर्ष से भितर तांकरी गाँव को मु मिनिमम 5-6 थर जा कारण तांकरी गाँव बाकी दुई जना पिला मो पाखे काम करथले माने आश्रम रे काम करथले रांची रे
ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିବେ ବା ଗୁରୁଜୀ ଆସନ୍ତି ବା କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର ଇଏ ଦି ଜଣ କରନ୍ତି ଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ ଆଣନ୍ତି 8th-9th କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଛି ମୋତେ ଦେଖିଛି ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥିଲା ମୁଁ 6 ଥର ଯାଇଛି ତ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଏ ମା ବାପା ଭେଟନ୍ତି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ ଯାଇଛି ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାରି ପରିବାର କିଛି ଲୋକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତି ତାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲି କହିଲି କି ତୁ ଆସିବୁ କି ସିଏ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଆସିବି ତା ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଟିଂ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇନଥାନ୍ତି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଛି ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଛି ଇଏ ଭଗବାନ ସେଟିଂ କରନ୍ତି ସଦା ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୈତ୍ରରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ କାରଣ ପରେ ବିଦୁରଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନ ଦେଖିବା ନା ମଜା ଆସିବନି ଏଇ ଯାକ ତ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବ କହେ ଅଶ୍ରୁ ମୁଖେ ସେ ଯଦୁ ବଂଶ ରାତ୍ରି ମୁଖେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କି ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ବୋଇଲେ ଦୟା ମନ 4 ନମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ 4 ନମ୍ବର ସ୍ୱକୁଳ ନାଶ ଇଚ୍ଛା କରି ଦ୍ୱାରକା ଥିଲେ ବାଳେ ହରି ମତେ ବୋଇଲେ ଦୟା ମନେ ଚଳ ତୁ ବଦରିକା ବନେ ଆମେ ବଦ୍ରିକା ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତକ୍ଷଣେ ତାର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ତା ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣି ପଦକ ମଳ ଥୋଇ ମନ ନ କରି ତୀର୍ଥକୁ ଗମନ ତାର ଗମନ ପଛେ ମୁଁ ହିଁ ଗଲି ତାହାର ଭାବ ବୋହି ମତେ ଦ୍ୱାରକାରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲିନି ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚରଣେ ଯିବି କି ବଦ୍ରିକା କି କାରଣେ ଗଲେନି ସେ କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିଲିନି ତାପରେ ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତି ନରହରେ ଖେଳନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସରି ଦେଖିଲି ସରସ୍ୱତୀ ତୀରେ ଏକାନ୍ତ ଆସନ ସଧିରେ ଯୋଉଟା ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତି ନରହରି ଖୋଜନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସରି ଦେଖିଲି ସରସ୍ୱତୀ ତୀରେ ଏକାନ୍ତ ଆସନ ସଧିରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଚମାନ କରିକି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣଟା ନା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇ ତୀର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ ଦରକାର ଏବେ ଯେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ମେଡିଟେସନ କହିବି କି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସବୁଠାରୁ ଦି ବେଷ୍ଟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ମାନସରୋବର କହିବି ମାନସରୋବର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ବାସ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରିନାଥ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଗଙ୍ଗା ବହି ଚାଲିଛି ବା ସେଇଠି ବସନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅରୁଣ ଲୋଚନ ଅରୁଣ ଲୋଚନ ଆଖିଟା ଅରୁଣ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଅରୁଣ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ସେମିତି ଅରୁଣ ଲୋଚନ ଚତୁର ଭୁଜେ ଶସ୍ତ୍ର ସାଜେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଶସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ
पीतवासन कटि माजे दक्षिण पाद वाम जंघे वाम जंघरे दक्षिण पादटा अछि दक्षिण पाद वाम जंघे बाळ अश्वत्थ पृष्ठ पाखे बाळ अश्वत्थ माने अश्वत्थ गोटे शाखा बाळ माने बाळक छोट से शाखारे शाखार पृष्ठ भागरे बसछनि एबे हो कुरुवीर सुण मैत्रेय मिळिले से स्थान हे कुरुवीर विदुरुंग कहुछनि एटा विदुरुंग पई हा उद्धव कहुछन ना एबे हे कुरुवीर सुण मैत्रेय मिळिले से स्थान व्यास मुनिक सखा हंती आनंदे भुवन भ्रमंती तक्षणे कृष्ण पासे जाई पादे न मिले शिर दे मुहि सुनई अनुरागे जे बाबो इल कृष्ण भावे भगवान कृष्ण जो भाव कहिसंती ता हम वर्तन तम कहिबे कि आसले ना मैत्र ऋषि आसले शब्द टाक देखंतु मैत्र ऋषि केमते बोलुथले आनंदे भवन आनंदे भुवने भ्रमंते बुलिवा उचित किंतु खुशी रे बुलिवा उचित आनंद रे बुलिवा उचित तीर्थ आनंद करिवा उचित तीर्थ तीर्थ रे खुशी जहां भी साधन करिवे कि खाउचंदे भी पिउचंदे भी आनंद रहिबे एबे जेंते मु जो खाए टे सात्विक खाद्य ये राग मसला ये सब खाए मो अलग तो मुझे भुवनेश्वर माँ को आ गोटे माँ को डाक बसईली से टिकेट ना लाज कर मोर उठी गल जी खाइल देने मागिक खाइल तो आम जो सेविक से कहते कौन कहले से कहले स्वामीजी का जो खाना है ना अच्छा लगता है स्वामीजी का खाना अच्छा तो लगता है स्वामीजी जैसे खाते हैं वो अच्छा लगता है खुशी खाइबा उचित जी कम खाइबे खुशी खाइबे जन मत पचार आज क्या खाया ना सलाद अपड़ साग सब्जी रोटी एटा कही थी फिर पचार का कौन खाइले ना रोटी सब्जी साग से ही उल्टा कर अर्थ कौन एटा कहार बाहुल्य खुशी रुहत जेकोसी कर्म कर मैत्र ऋषि केमती कर तीर्थ कर भगवान ना नहीं कि खुशी रोचे नारद खुशी रोचे साढ़े सात रु आठ पूज्य गुरुजी स्वामी तेजमानंद जी यूट्यूब चिन्मय चैनल आपने सब्सक्राइब करंतु चिन्मय चैनल पूरा कंटिन्यू साढ़े सात रु आठ अध घंटा नारद भक्ति सूत्र दब इत सुंदर कहते इंग्लीश कहते जो मैंने भल इंग्लीश बुझीपर शुणु यूट्यूब पर भी शुणीपर नारद भक्ति सूत्र लाइव शुणीदे तो मैत्रे नारद आदि भगवान को ना नहीं कि प्रचार कर विदुर आदि अन्य को प्रचार करना कि नारद उपदेश दिखते भगवान का ना प्रेरणा दिखते इंस्पिरेशन करते मैत्रे मध्य सेमती बर्तन भगवान कौन कौन शुण श्री भगवान उवाच उद्धव शुण मो वचन मुहि जानिले तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तते संसार उतरी बुझे मनते बढ़िया सुंदर अच्छे उद्धव तोर मन टा को जान सारे तते ज्ञान दरकार मुझे दिव्य ज्ञान देवी दुर्लभ ज्ञान देवी जहाद्वारा संसार उतरबू पूर्व ब्रह्मार यज्ञ काले सकल वशंकर मेले कल्पिलु जोग इष्ट सिद्धि मोर चरणे ध्यान बंदी ए पूर्व जन्म सर्व सिद्धि जेणु मो अनुग्रह विधि तेणु लाभिल मते हेले निज भुवन जीवा बेले विषय रस भोग चिंदे जे प्राणी स्वधर्म छाड़ते भक्ति वैराग्य जार नाही सेवा लभिव मते काही जे ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिली पद्म कल्पे परम ज्ञान मो महिमा के चिंती पारे आदि सीमा एणु पंडित मुनि जने दृढ़ विचारे अनुमाने ए भागवत धर्म चिंते ए भव जल उत्तरी जानती कते सुंदर भगवान निजे कहते पूर्व जन्म रे तमे जने बसु थिलो
ए बसु भाव तुम बहुत ध्यान कर मत एणु मु तुम मोर अंतरंग श्रोध हो आस एथर तुम मोर अंतरंग श्रोध हो एणु तमें जो तुमको ज्ञान दरकार मु तुमको देवी निश्चय देवी तमें पूर्व जन्म बसुल तमें मोर आराधना करेल मत आराधना करल पाइबापाई एवं संसार रे यही जो जन्म ना उद्धव तुम एटा लास्ट जन्म बाह के सुंदर कौछ ना भगवान जदि भक्त विषय कहते कौन कम कथा उद्धव कौन महिमा आखिया भगवान निजे कहते ये तुम लास्ट जन्म बार नंबर पढ़ मूल संस्कृत सैव साधु चरमो भवान आसीदतस्ते मद मदनुग्रहो यत यन्मान लोकान रहो सृजन्तम् दृक्षाद दृश्वान विशदानुवृत्ता अर्थात मोर अनुग्रह रु प्राप्त करिछ एबे मु मर्त्यलोक छोड़ी जीवा पाई चाहूँगी यन्मान लोकान रहो सृजन्तम् किन तमे मोर दर्शन पाइल दृष्ट्वादृश्वान विशदान वृत्वा ये निश्चय सौभाग्यर विषय तुम दर्शन कल आशुण पूर्व काल पद्मकल्पे मुझ ब्रह्मा को उपदेश दे चतुर् श्लोकना भागवत से तुमको कह पुराया प्रोक्त मजाभ्ये मु तुमको भागवत जो ब्रह्मा को कही से कथाटे कह तो भगवान कौन कले भागवत उपदेश देखा मूल भाग जो प्रवचन ताहा में एकादश स्कंदर देखिवा बर्तन उद्धव विद्रोह को कौन कहते देखा ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः 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 ओम हरिः पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथनाम सहस्रकं पठति पंडित नत्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु ईश्वर उवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओं नमो हरिः ओम जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।